अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ गुलरेज खान है। एडियन न्यूज़ के साथ आज हम आपके सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनका हल तलाश करने के लिए आवाम, उनके हुक्मरान, उनके हादम सब यहां पर मौजूद हैं। सब लोग एक ही जंग में मुब्तला हैं। हम लोग सब सेहत याबी की दुआ में शरीक हैं। हम लोग जिस मसाइल का हल तलाश करने जाते हैं वहीं पर एक नया मसला जन्म ले लेता है। हम किस तरफ जाएं, किस तरफ बात करें, इसी तलक से, इसी वाबस्तगी से हम लोग हर दिन इसी कोशा में होते हैं कि पाकिस्तान जदोजहद के बावजूद तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता क्यों नहीं है। आज हम एक तबके को फिर देखेंगे, आज हम फिर एक बात करेंगे। कायदे आज़म ने ये फरमाया था, कायदे आज़म का ये इरशाद थे कि कभी भी कोई भी मुल्क कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी नौजवान नस्ल उसके शाना बशाना खड़े ना हो जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ यंग यानी कि नौजवान क़यादत भी मौजूद है और नौजवान नस्ल भी मौजूद है और अवामी जो नुमाइंदे हैं, अवामी हादम हैं, वो भी आज नौजवान मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट के चीफ ऑफिसर साहब से कुछ गुफ्तगू करने की, जो अपने आप में एक अच्छा अंदाज रखते हैं। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अब संभालेगी क़यादत और करेगी जिम्मेदारी पूरी। तो आज हम बात करेंगे फैसल शहजाद साहब से और जानेंगे कि वो इस बारे में या कोरोना के बारे में या मुल्की हालात के बारे में अपने क्या अज़हार ख्याल रखते हैं। मेरा नाम फैसल शहजाद है, मैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट हूँ। जैसे कि आपने बताया कि कोविड 19 की वजह से ऑलरेडी हम बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं और आपने देखा होगा कि जो ऑफिसेज और ये बाकी एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग पे और इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि तमाम लोग जो मास्क पहने और जितना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें ताकि जो है हमारी कौम जो है इस जो इस वक्त वबा को फेस कर रही है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम आसानी से बाहर निकल के आ सकें। तो ये बेसिकली तो अवेयरनेस है जो मतलब हर स्केल के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। हम इसमें हमने थ्रू जो है वो पैम्फलेट्स और थ्रू हमने जो है यहाँ पे फ्लेक्सिस के थ्रू हमने शहर के अंदर इसकी कंपेन भी की और लोगों को इससे आगाही भी दी। और इसमें जो है इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर सख्ती भी कर रही है। डीपीओ साहब की तरफ से भी, डी साहब खुद निकलते हैं फील्ड में, एसी साहब खुद निकलती हैं, हर एक जगह के ऊपर वो लोग जाते हैं और इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। और जितना शॉप्स और बाकी चीज़ें हैं ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ही हैं जो बेसिकली इस वक्त हम अवेयरनेस के लिए लेके चल रहे हैं ताकि आवाम को जो है वो इससे आगाही दे सकें और इससे इस मुसीबत से जो है वो बचा जा सके। अभी सुनने में आया कि आपने जो 25 गाड़ियाँ हैं जो बदियाती तौर पर आप लोगों ने इसको जमा किया है और आपने सफाई को तरजीह दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तौर पर, तो फैसल शहजाद साहब इस चीज़ को कैसे मद्देनजर रखते हैं? देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस शहर के अंदर, इस शहर की एक हिस्ट्री है, इस शहर को आप देखते हैं तो इसके अंदर मतलब छोटे बाज़ार हैं, तंग गलियां हैं जहां पे इजीली आपकी गाड़ियां मूव नहीं कर सकती। तो वहां के लिए जो इस वक्त है ये हमारे मिनी टिपर्स आए हैं और ये मिनी टिपर से हम जो है वो छोटी गलियों में मूव कर सकते हैं। 350 kg उनकी कैपेसिटी है एक की, वो इजीली वहाँ से गारबेज वहाँ से उठा सकते हैं, वो लेके लिफ्ट करके जा सकते हैं। तो देखें, अब तो मशीनी दौर है तो आप इससे देखें कितना फ़ायदा है इस शहर के अंदर कि वहाँ पे जहाँ पे आपकी ट्रॉली नहीं जा सकती थी, जहाँ पे आपका जो स्टाफ है नीचे उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी, वहाँ पे ये मिनी टिपर ईजीली जाके वहाँ से कैरी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन चीज़ है। कुछ एक दो मसाइल थे जिसके बारे में आपसे बात करनी थी कि हमने कुछ देर पहले एक शो किया, मैंने शो किया और मैं रोड पे था और मैंने कुछ रेडी बांध से कुछ ये जो रोज़ चलते हैं, ये जो कदागर होते हैं, इनसे बात की तो इन्होंने कहा मुझे कि जो रोड पे इन्होंने
बिला इश्तियाल जो अपनी जो रेड़ियाँ लगाई हुई हैं, जो मकसद जो सब चीज़ें की हुई, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो पीछे से लोग आते हैं वो चलान वगैरह मारा करते हैं 150, 200, 300 जितना भी होता है, उसके अलावा हम लोग उनको कोई नजराने के तौर पे कुछ फल फ्रूट वगैरह भी दे देते हैं और इस तरीके से हम लोग यहाँ खड़े रहते हैं, हमें कोई तंग नहीं करने वाला। इसके ऊपर क्या हिकमत अमली है? देखें, जो रेडी वाला काम है ना, दो तरह की इंक्रोचमेंट होती है, एक परमानेंट इंक्रोचमेंट, एक आपकी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट। जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट होती है वो मूवेबल होती है, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का मतलब है कि आप उसको मूव करते जाएं वो जाती जाएगी। गवर्नमेंट की थोड़ी सी पॉलिसी इसमें नर्म है, वो कहते हैं कि आप इतना रेडी वालों को इतना डिस्टर्ब ना करें कि उनका रोज़गार ख़त्म हो जाए। इस वजह से थोड़ा सा आप समझ लें कि जो हमारी तरफ से भी सख्ती है कि स्टाफ को कि आपने इनका इस तरह सामान नहीं गिरा देना, उठा नहीं देना, इनके साथ आपने रवैया जो है वो बहुत मुनासिब रखना है, ताकि इन लोगों को ये फीलिंग ना हो कि हम रिस्क हलाल के लिए निकलें और हमें जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है। तो बिल्कुल इसके ऊपर अभी माशाल्लाह मेरा जो MOR साहब आए हैं वो भी PPSC के थ्रू आए हैं, पढ़े लिखे लोगों की लोकल गवर्नमेंट के अंदर वैसे कंडक्ट अच्छे। हाँ, मतलब आप देखें कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारी माशाल्लाह ये लोग हमारे पास आए, और जो सीट्स थी पहले एक एक बंदे को काफ़ी चार्ज मिले हुए थे, अल्लाह का शुक्र है अब जिसकी जो जॉब है वो क्लैरिटी के साथ उस जगह पे काम कर रहा था। हमारे पास भी स्टाफ पूरा आ गया, MOR भी हमारे आ गए, वो अच्छे ऑफिसर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है, वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जो आपकी थोड़ी इसके बारे में रिजर्वेशंस हैं, डेफ़िनेटली हम मैं उनको इससे आगाह करता हूँ, और जो स्टाफ इसके अंदर इन्वॉल्व है वो ऑलरेडी हम उनके ऊपर पहले भी कार्रवाई करते हैं, अगर कोई इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है आप मुझे भी मेंशन करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर 100% जो है ना वो बतौर पाकिस्तानी जी हमारा पहला फ़र्ज़ तो ये है, फरीज़ों में से पहला फ़र्ज़ तो ये है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे ताकि अमर तक, जब तक हमारे अंदर कुव्वत है इस चीज़ के लिए। आप यंग जनरेशन को, नौजवानों को जो अभी पढ़ रहे हैं, जो ज़ेर तलीम हैं, और आप उनको क्या आइडियालॉजी देना चाहेंगे कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं तो सबसे पहले किन चीज़ों का वो याद रखें? देखिए, एक चीज़ का मैं ये बात अल्लाह ताला से, पता नहीं शायद अल्फाज में कोई ऊपर नीचे चीज़ हो जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्विस डिलीवरी के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग जो अल्लाह मियाँ ने, देखिए कितने लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, शहर देख लें या इसमें आप देखें कितने लोग इन सीटों के ऊपर बैठे हैं, कोई ख़ास इसमें हमारी कोई एबिलिटी नहीं है, ये अल्लाह का करम है। जो इंसान बैठता है वो अल्लाह के करम से बैठता है, उसको ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने उसको इस वक्त इस जगह पर बिठाया है और एज़ ए मुनसिब बिठाया है तो उसको इंसाफ़ करना चाहिए। सबसे पहली बात, इंसाफ़ के बगैर किसी भी माशरे के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वो ज़्यादा देर चीज़ चल सकेगी, वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें अपनी तरजीह देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेशन देना, ये काम नहीं कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना। आप लोगों ने अपने इलाके में अपनी जगहों पे कोई मैकेनिज्म सेट करना है। मुझे टाइगर फोर्स का काम ही अच्छा लगा कि यंग जनरेशन थी, क़यादत यंग थी, उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, टाइगर फोर्स आई, उन्होंने अपने इलाके के अंदर अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया और ख़ुद साथ शाना पशाना चले भी। तो ये काम दोनों चीज़ों का है, ये अवेयरनेस हर बंदे को देनी चाहिए कि गवर्नमेंट की आप वहाँ फैसिलिटी लें जहाँ पे आपको लगता है, बाकी आप अपना जो मैकेनिज्म है अपने गली मोहल्ले के अंदर सेट करें। कहीं कूड़ा का कंटेनर लगाना है तो सब मोहल्ले वाले मिल के बैठ के कहेंगे ये जगह अप्रोप्रिएट है, यहाँ बेहतर है, कहीं बाहर नहीं फेंकना। कूड़ा अगर फेंकना है तो कूड़ादान के अंदर फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना। जो एस्थेटिकली आपको शहर को खूबसूरत रखना है या जो आप सिविलाइज नज़र आएंगे, तो वो तो आपकी गलियाँ सड़कें चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो ये जब आप करना शुरू करें, जैसे भी आपने रेडी बान की बात की कि जी उसको तंग कर रहे हैं, या वो कोई बंदा ब्लैकमेल नहीं होता। अगर मेरी दुकान के आगे कोई बंदा आके कोई चीज़ लगाएगा तो मैं उस दुकान का ऑनर हूँ, मैं कभी भी नहीं लगाने दूंगा। इसका मतलब है कि मेरी मेलेफेडी शामिल होगी, मैं उस रेडी वाले से 50, 100, 1000, 10000 लूँगा तो उसको अपनी दुकान के बाहर इंक्रोच करने दूँगा। उसके बाद ये सारा माफिया स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ग्रास रूट लेवल के ऊपर आके चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। एक सिस्टम है, डिवाइस हुआ हुआ है, कुछ देर लगेगी, लेकिन अब ये जिस तरह यंगस्टर्स आ रहे हैं तो काइंडली ये आप अपने गली मोहल्ले बाज़ार इनके अंदर ख़ुद इनिशिएटिव लें, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। अब तो कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है, अब आप एक टेक्स्ट करते हैं अपने डिप्टी कमिश्नर को, आपके डिप्टी कमिश्नर उसी टाइम उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, वो हमें डायरेक्ट करते हैं,
नीचे जाते हैं, हमें करते हैं, हम नीचे अपने स्टाफ को डायरेक्ट करते हैं। तो देखें, अब सोशल मीडिया को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, इसमें प्रोग्रेसिव काम करना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव काम जब भी करेंगे तो इम्पैक्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने चीफ ऑफिसर फैसल शहजाद साहब की गुफ्तगु सुनी और उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी जो मुसलसल मसाइल आ रहे हैं उनका हल तलाश करने के लिए गवर्नमेंट, आवाम और हकाम बाला उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसके बाद हमारी खसूसी ट्रांसमिशन जो कि रेडी बानों के ऊपर मौजूद थी, उनके बारे में फैसल शहजाद साहब का ये कहना था कि अगर कोई ऑफिसर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखता है, उन रेडी बानों से कोई हरजाना या नजराने के तौर पर कुछ रकम वसूल करता है तो उसके मुखालिफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी दिलाई है कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो कौम का भी मुजरम है और वो हुकूमत का भी मुजरम है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ एजाज गुलरेज़ खान, ईडीएन न्यूज़।